पैरों की बेड़ियां ख्वाबों को बांधे नहीं रे, कभी नहीं रे। मिट्टी की परतों को नन्हे से अंकुर भी चीरे धीरे धीरे। इरादे हरे भरे जिनके सीनों में घर करे, वो दिल की सुने ना डरे। कोई मेरी कविता नहीं है, ये एक छोटी सी मूवी कभी बहुत पुराने टाइम में आई थी, 2005 और 8 के बीच में, उड़ान, ये उसके लिरिक्स थे। मुझे बहुत एनकरेज करते हैं एक सफ़र शुरू करने को, तो आइए आप भी हमारे साथ एक नया सफ़र शुरू कीजिए, भैरवगढ़ी का। भैरवगढ़ी के स्टार्टिंग पॉइंट से हमने अपना सफ़र शुरू तो कर दिया है, आपको दिखाते हैं डे वन की मिलती जुलती वादियाँ और ग्रीनरी से मिलती जुलती और भी सुंदर चीज़ें। और हम यहाँ पे आगे जाके वैष्णो देवी टेम्पल भी आपको जरूर देख। कितना होगा ये? तो 2.5 किलोमीटर मैक्सिमम। जैसे कि हमारे सारे ये हिंदू धर्मों के मंदिरों की एक ज़रूर पीछे छुपी हुई कोई ना कोई कहानी होती है, इसी तरीके से इस भैरवगढ़ी की भी एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जो आपको रास्ते में आगे मैं ज़रूर बताऊंगी। यहाँ से हमने जो सफ़र शुरू किया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत मज़ा आ रहा है, इतना हम चल चुके हैं, मतलब हमें ट्रैकिंग का इतना शौक़ है कि मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पैशनेट हम इतने हैं कि मतलब जहाँ भी हमें पहाड़ दिखते हैं ना, बस हम चलते चलते हैं। सच में पहाड़ में कदम रखते ही ना, हमारा अपने ऊपर कोई काबू नहीं होता। मुझे लगता है कि मतलब उसके बाद जो स्टोरी, पैर रखने के बाद पहाड़ पे जो शुरू होती है ना, वो सब पहाड़ की माया है, मतलब वी आर जस्ट लॉस्ट। हमारी पटरी भालू जैसा तो इस 2.5 किलोमीटर के सफ़र में हम पहुंच चुके हैं मिड पॉइंट पे, जो कि है भैरव जी का, उनके खड़ुओं की जो है यहाँ पे मंदिर बनी हुई है, उनके खड़ू यहाँ पे रखे हुए हैं, और हम यहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद हम आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑफ द ट्रैक हम पहुंच चुके हैं, ये यहाँ पर भैरव जी की चरण पादुकाएँ हैं। वैसे तो भगवान शिव के 14 अवतारों में से एक काल भैरव है। भैरवगढ़ी काल भैरव का प्रसिद्ध निवास स्थान है। यह राजखील गांव लैंसडाउन से 17 किलोमीटर की दूर पहाड़ियों पर स्थित है। चलिए तो आपको कुछ और फैक्ट्स मैं यहाँ के बारे में बताती हूँ, जो कि और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेंगे। भैरव या भैरव को व्यापक रूप से द प्रोटेक्टर या गढ़वाल के गेट मैन के रूप से भी जाना जाता है। जैसा कि इतिहास कहता है, भैरवगढ़ गढ़वाल के 52 गढ़ों में और मूल रूप से इसे लंगूरगढ़ के नाम से जाना जाता है। 1791 तक लंगूरगढ़ एक शक्तिशाली किला था, लेकिन उस पर गोरखा सेना ने 2 साल तक संघर्ष किया कब्जा करने के लिए, और 28 दिनों तक लड़ाई के बाद भी वह हार गए और वापस चले गए। थापा नाम के एक गोरखा ने लंगूरगढ़ में भैरव के महत्व को महसूस किया और 40 किलो दान किया, जिसमें कि ताम्र पात्र ये सब चीज़ें होती थी। तो पास ही 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक यहाँ पे हनुमान गढ़ी भी है, जो कि भगवान हनुमान जी के निवास स्थान के रूप में वहाँ पे स्थापित है, और स्थानीय लोग यहाँ पे 15 जुलाई से 15 अगस्त तक 1 महीने का उत्सव भी मनाते हैं। तो काल भैरव का ये जो मंदिर है, गढ़वाल के रक्षक के रूप में अर्थात द्वारपाल के रूप में यहाँ पर इसका बहुत बड़ा महत्व माना गया है। भैरव के अनुयायी, पुजारी और साधक भैरवगढ़ी की चोटी पर जाकर साधना कर आज भी सिद्धि प्राप्त करते हैं, और इस स्थान का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है ही है, जो मैंने आपको बताया ही था। भैरवगढ़ गढ़वाल के 33 गढ़ों में से एक है, और इसका सॉरी 52 गढ़ मैं कहूँगी इसको, 52 गढ़ों में से एक है, और इसका वास्तविक नाम तो लंगूरगढ़ मैंने आपको पहले ही बताया था। लांगुल पर्वत पर, क्योंकि ये जो पर्वत है इसका नाम लांगुल है, ये तो ये यहाँ पर ही स्थित है। तो मतलब इसकी इतनी मान्यता है, यहाँ पे जो श्रद्धालु लोग जो आते हैं वो इतने प्रेम प्यार से काल भैरव जी के लिए काली चीज़ें लाते हैं, क्योंकि काल भैरव को काली चीज़ें पसंद होती हैं। तो कोई काली दाल लेकर आता है, कोई काला कपड़ा लेकर आता है, कोई काला चिमटा लेकर आता है, सारी भी जो भी चीज़ें हैं भैरव जी को वहाँ पर चढ़ाई जाती हैं, और प्रसाद के रूप में जो है पंडित जी पूजा के आखिर में वो प्रसाद देते हैं, और यहाँ पर भंडारा भी होता है, और अभी हमें आगे जाके होना हो आज के दिन में हमें भंडारा मिलने की चांसेस भी हैं।
यहाँ बैठे हैं हमारे भैरव जी अंदर, ये पंडित जी हैं जो कैमरे में इतना मुस्कुरा करके देख रहे हैं। यहाँ बैठे हैं कविता, अभिषेक मामा जी और प्रणव, जो कि भैरव की कृपा ले रहे हैं। भोले यानी भैरव नाथ के कीर्तन भजन देखिए कितने हर्षोल्लास से यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। पर भंडारा बनाया जाता है। हमारे साथी जितने भी ट्रैवलर्स हैं वो लगे हुए हैं भंडारे की लाइन में। थोड़ी ही देर में ये हमें भी बुला लेंगे लाइन में और हम फिर खाएंगे प्रसाद। और यहाँ का प्रसाद बहुत ही स्वाद है और हमने पंडित जी से बात की थी, उन्होंने बताया कि ये भंडारा किस किस तरीके से बनाया जाता है। बिल्कुल लोकल लोग आके यहाँ पे बना रहे हैं भंडारा, ऐसा कोई स्पेशल हलवाई यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा था। आप देखिए कितने प्यार से इनका क्या स्वाद होगा खाने का। ये आप देखिए बर्तन धोने की क्या अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। बिल्कुल अब बैक साइड पे आके यहाँ पे बर्तन धोने के लिए है। राइट थोड़ा सा आप यहाँ से हो जाएंगे तो यहाँ पे वॉशरूम है, शौचालय मतलब यहाँ पे बने हुए हैं। आप फ्रेश भी हो सकते हैं आराम से। मंदिर से काफ़ी दूरी पर है तो ऐसी कोई धार्मिक जगह को ठेस भी नहीं पहुँच रही है। बहुत अच्छा मौसम भी हो रहा है यहाँ पे अभी इस वक्त, बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। मतलब आप ये देखिए बादल कैसे आपको छूते हुए, आपको क्रॉस करते हुए दूसरी पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। कितना खूबसूरत है ये नज़ारा। मतलब इतनी ऊंचाई पे मंदिर और भगवान का स्थान, वाह, मतलब एक अलग ही बात है यहाँ की। भगवान के दर्शन, दान पुण्य, कर्म, आस्था और खाने के स्वाद के साथ हम अब इसके बाद निकल पड़े हैं वापसी के रास्ते पर। वापसी के रास्ते पे भी चिंता मत कीजिए, आपको और भी खूबसूरत थोड़ी बहुत क्लिप्स देखने को मिलेंगी आगे। कभी वक्त को देखकर मन करता है कि कोई कोना पकड़कर बैठे रहें और बस इन बादलों को देखते रहें, महसूस करें इनको चलते हुए, बड़े प्यार से मोहब्बत से इनके लिए मतलब बढ़ते चलें इनकी हर एक चाल के साथ साथ। मुश्किलों से क्यों डरना, अगर ये डगर थोड़ी मुश्किल हो भी गई तो बस यही समझ आया है कि जो होता है सबसे बेहतर के लिए ही होता है। बचा रखा है मैंने कुछ गीतों को आगे के सफर के लिए, लेकिन इस सफर को हम यही खत्म करते हैं। भैरवगढ़ी की इस धाम को हम यहाँ से नमस्ते कहते हैं और आज के दिन डे 2 के लिए हम व्लॉग के लिए कहते हैं गुड बाय।